हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। साने बल्दिया के मरकजी मुलजिम हम्माद सिद्दीकी की वतन वापसी से कुछ सियासी कुवतें तश्वीश का शिकार। मुलजिम को वतन वापसी से रोकने के लिए सरगर्म। हम्माद सिद्दीकी के तहलका खेज इंकशफात एमक्यूएम और पीएसपी रहनुमाओं के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, जराए का दावा। आज भी डिफेंड करूंगा हम्माद सिद्दीकी को, आज भी मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूं। मेरा आज भी ये कन्विक्शन है कि उसने ये काम नहीं किया। जो भी बोला बोल रहा है झूठ बोल रहा है, नंबर उसके बारे में झूठ बोल रहा है। इल्जामात की ठोस बुनियाद होनी चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए और हर इल्जाम को अदालत में साबित हो। भत्ताखोरी टारगेट किलिंग या फिर खाले छीनने का मामला, शहर कायद में एक ही नाम गूंजता रहा, सानेहाए 12 मई हो या बल्दिया टाउन फैक्ट्री की आग, वकला को जिंदा चलाने का वाकया या रशीद गोडेल पर कातिलाना हमला, हर मामले में हम्माद सिद्दीकी के मुलव्वस होने की बाजगश। क्या तमाम वारदातों की गुत्थी सुलझ सकेगी? कराची के बासी मिलियन डॉलर सवाल का जवाब जानने के मुंतजर। बल्दिया टाउन फैक्ट्री को आग लगाने में सरकारी अफसरान अकमल सिद्दीकी, मिर्जा आसिफ अमीर अली, शाहनवाज भट्टी ने सहूलतकारी की। एमकेएम से निकाले जाने वाले एमएनए सलमान बलोच का डीजी रेंजर्स को खत, दिलखराश सानेह में 250 से जायद अफराद जाँ बहक हुए थे। कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद, हुक्मरान जमात का अगले इंतखाबात वक्त पर कराने का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई खौफजदा है, वो चाहते हैं कि आम इंतखाबात सेनेट इलेक्शन से पहले हों। क्यों उन्हें पार्टी में बगावत का खदशा है? आज जून को ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होगी, उसके 60 दिनों के अंदर आम इंतखाबात को इनेकाद करना यकीनी बनाना आईनी जिम्मेदारी है, लिहाजा अगस्त के पहले हफ्ते में आम इंतखाबात बरवक्त मुनक्कद होंगे। नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी लीडरों को हटाने का धंधा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जारी है। कोई साजिश पहले कामयाब हुई और ना आइंदा कामयाब होगी। वजीर रेलवे की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई जबर का डंडा मकबूल क्यादत को सियासत से बेदखल नहीं कर सकता। कोई जबर का हथकंडा, कोई फैसला, कोई साजिश और कोई प्रोपेगंडा कभी भी मकबूल सियासी क्यादतों को सियासत से बेदखल नहीं कर सकता। जो भी हमारे टीम के कैप्टन बने, जरदारी हो या शरीफ, वो अपने लिए बैटिंग करते हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं खेला। इमरान खान ने एक बार फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालिबा दोहरा दिया। कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अपने लिए बैटिंग करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खेला। दोनों रहनुमा बताएं कि उनके पास पैसा आया कहां से। अटक में जलसे के बाद शानदार आतिशबाजी। पीपल्स पार्टी वक्त पर इंतखाबात करने के मुतालबे पर डट गई। खुर्शीद शाह कहते हैं इलेक्शन पिछली मर्दुम शुमारी पर कराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इंतखाबात 2018 में ही होने चाहिए। नवाज शरीफ के करीबी साथी ही उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बात बड़ी क्लियर है कि कोई यू टर्न नहीं लिया हमारे पॉलिटिकल जनरेशन से। दिक्कत आम है, खास नहीं है। नवाज शरीफ के अपने जैसे के लोग बैठे हैं जो उनके खिलाफ साजिश करते हैं।
कहता था ना उंगली का इशारा। उसकी पार्टी कभी इक्तदार में आ ही नहीं सकती, चाहे वो दुबई हो यूएस हो, उनके अंदर अपनी जायदाद बनाई जा रही है। सिंध असेंबली ने भी कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ने और कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के मुतालिबे के खिलाफ करारदाद मंजूर, निसार खोड़ों ने मुतालिबा अवामी राय पर हमला करार दे दिया। उसको वोट मिले थे कि तू 5 साल काम, हम तेरा परफॉर्मेंस देखेंगे, चाहे तुम अपोजिशन में बैठे हो या हुकूमत में हो, तुम्हें 5 साल करके दिखाना है कि क्या करते हो, और वो अपने ही वोटर की खुद इंसल्ट कर रहा है। खुर्रम शेर जमान ने जमहूरियत को 2 नंबर करार दे दिया। आप पे खड़े होके एतराज तो जरूर करते हैं असलियत के ऊपर, लेकिन अगर आप बाहर जाके आवाम से पूछें तो आपकी लोगों की वजह से उस आमरियत में भी लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है बनिस्बत आपकी जमहूरियत के। पनामा हंगामे के बाद पैराडाइज लीक्स ने तहलका मचा दिया। दुनिया भर के कई मुख्तदर चेहरों के मुबैना मालियाती जराइम का कच्चा चिट्ठा खुल गया। मलका बरतानिया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 13 साथियों, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शौकत अजीज समेत कई अफराद के नाम शामिल हैं। नवाज शरीफ कल एक बार फिर एहतसाब अदालत में पेश होंगे। पंजाब हाउस में लीगी रहनुमाओं से मुशावरत, वकील ख्वाजा हारिस से भी मुलाकात की, कानूनी उमूर पर गुफ्तगु, जुडिशियल एकेडमी के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। टेक्नोक्रेट हुकूमत ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, 13 या 14 तजुर्बेकार लोगों की काबीना बनाई जाए, शरीफ खानदान की करप्शन का केस फौजी अदालत में भेजा जाए। साबिक IGFC लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान रिटायर्ड की आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, प्रोग्राम रात 11 बजे नशर होगा। इसको इलेक्शन से हम ठीक नहीं कर सकते, ये कि इलेक्शन होगा, यही गवर्नेंस का सिस्टम होगा, यही पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, लिहाजा जो मैं जो समझता हूँ इसमें हमारा एक सिस्टम कलेप्स हो गया, इस सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा। पीटीआई ने इंतखाबी इस्लाहात बिल 2017 के खिलाफ अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटा दिया। दरख्वास्त में कहा बतौर रुकने कौमी असम्बली नाअहली के बाद नवाज शरीफ पार्टी सदारत के भी अहल नहीं रहे, बिल कल अदम करार देने की इस्तदा भी कर दी। चौधरी ब्रादरान नैब लाहौर के दफ्तर में पेश, आमदन और असासजात की तफसीलात जमा कराई। नैब हुकाम के चौधरी शुजात और परवेज इलाही से जायदाद से मुतालिक सवालात, परवेज इलाही कहते हैं नैब हमें खौफजदा नहीं कर सकता, हर दौर में झूठे मुकदमात कायम किए गए। जो हमारी चेकिंग कर सकते थे हर लिहाज से वो ये करते भी रहे और कराते भी रहे, तो इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है तहकीकात के हवाले से या कोई केस के हवाले से। असासाजात रेफरेंस की लटकती तलवार, चेयरमैन नैब ने साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर, साबिक मुशीर आसमा अरबाब और वजीर आला बलोचिस्तान असलम रईसानी के खिलाफ तहकीकात जल्द मुकम्मल होने का इंदिया दे दिया। जहांगीर तरीन ने नाअहली केस में ऑफशोर कंपनी की ट्रस्ट डीड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। ट्रस्ट डीड के मुताबिक जहांगीर तरीन और फैमिली ताहयात बेनिफिशरी हैं। जहांगीर तरीन को ट्रस्ट की आमदनी की तकसीम का मुकम्मल इख्तियार है। मुकदमे की समाप्त कल होगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई मुनज्जम वजूद नहीं है, इस बारे में अमरीकी मौकिफ कबूल नहीं, अमरीका के साथ एतमाद का फुकदान है, वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक ही तरीके से कार्रवाई करे, अमरीकी सफीर का मुतालिबा। कराची में माजूर अफराद का सिंध असेंबली के बाहर धरना, सरकारी नौकरियों में कोटे पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा ठंडी गाड़ियों में ठंडे ऐवान में जाने वाले वुजरा हमारी बात नहीं सुन रहे।
हमारा सिर्फ जायज मुतालबा है कि जो पहले 2% सिंध असम्बली में पास हुआ था, अमल दरामद कोई नहीं हुआ, अब 5% कोटा कर दिया, तो खुदारा जब आप 2% पे अमल नहीं करते, 5% करने का आपका क्या फायदा? अगर हमें हमारे अपने लीगल राइट्स पे नहीं बोलने दिया जाएगा और नहीं हमारी नजरसानी की जाएगी, तो हम आखिर रोडों का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? मुजाहिरीन ने वजीर बल्दियात की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म कर दिया। कल वजीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बिठा दिया, आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। सिंध असेंबली और सेनेट इजलास में महंगाई की दुहाई। MQM ने दोनों ऐवानों में टमाटर की कीमतों में इजाफे का मामला उठाया। सिंध असेंबली में कामरान अख्तर टमाटर लिए पहुंच गए, कहा कि अब शौहर बीवियों को तोहफे में टमाटर तकरीबन 200 रुपए किलो जो है वो बिक रहा है। आजकल शोहरों ने अपनी बेगमात को बतौर तोहफतन देना शुरू कर दिया ये टमाटर। सर्दी की आमद से पहले लुंडा बाजारों में रश बढ़ गया। किसी को कोट की तलाश, कोई जैकेट खरीदने जा पहुंचा। सफेद पोश तबके की महंगाई की दुहाई। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो यानी कि जो 400-500 से कम हुई हो। लोगों की जो माल लेके ये बेच रहे हैं, कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हम रेट बढ़ाएंगे, जाहिर है हमें आगे महंगा मिल रहा है, हमने ही बढ़ाना है। व्यापारियों ने महंगाई की वजह इस्तेमाल शुदा मलबूसात पर टैक्स को करार दे दिया। पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार, मुख्तलिफ शहरों में फजाई ऑपरेशन आज भी मुतासिर। मोटरवेज और हाईवे समेत दीगर शहराने भी ट्रैफिक के लिए बंद। आलूदा धुंध से सांस लेना मुहाल, शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने आज यौम शोहदा मनाया। मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां, जलसे और एहतजाज। काबिज फोर्सेज ने पुरअमन मुजाहिरों पर लाठियां बरसा दी, शेलिंग भी की। चोटी काटने समेत हरासा किए जाने के वाकयात। मकबूजा कश्मीर की लड़कियों ने तहफ्फुज़ के लिए कराटे सीखना शुरू कर दिए। कहती हैं कि आजकल के हालात के पेश नजर खुद को मजबूत बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। जूडो एक ऐसी गेम है जिसमें एक लड़की सेफ रह सकती है, सेल्फ डिफेंस भी है इसमें, जो एक लड़की को जरूरत होता है। आजकल जैसे हालात है उसके लिए सेल्फ डिफेंस होना बहुत जरूरी है। अमरीकी रियासत टेक्सास के चर्च में कत्लेआम, साबिक फौजी की फायरिंग से 27 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। यमन की सरहद के करीब हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, सऊदी शहजादा मंसूर बिन मकरन समेत 8 अफराद हलाक। शहजादा मंसूर सूबाई असीर के डिप्टी गवर्नर थे। सऊदी वजीर दाखला ने दहशतगर्द ग्रुपों की मुआवनत, मनसूबाबंदी और हिमायत करने वाले यमन के 40 रहनुमाओं और मुलव्वस अफराद के नाम जारी कर दिए। मतलूब अफराद के बारे में इत्तला देने वालों के लिए करोड़ों डॉलर इनाम का ऐलान। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत 2 साल की बुलंदतरी। T10 लीग की ड्राफ्टिंग के मौके पर गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर है, कराची समेत दीगर शहरों में भी मैचेस कराने चाहिए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हुआ है, सिचुएशन हमारी बहुत बेहतर हुई है सिक्योरिटी की, और साथ साथ में कराची PSL हो रही है, कराची बहुत अच्छी बात है। कराची में सजा रंगारंग स्पोर्ट्स मेला, बहरिया मॉडल कॉलेज ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीत ली। एहसन अली और फातिमा सना बेहतरीन एथलीट करार पाई। इंशाल्लाह आगे और प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई करूंगी और तैयारी करके, तो इट्स लाइक के शायद अच्छा और बेहतर कर सकूं। टैलेंट तो बिल्कुल है, बस बात यह है कि कोई इंसेंटिव नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह अच्छी करते रहेंगे, जितना अच्छा करते रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा, अच्छी उम्मीदें हैं सर वसीम से।
वज़ीर-ए-आला सिंध से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वफद की मुलाकात। मुराद अली शाह का 35 लाख रुपए की ग्रांट फौरी जारी करने का हुक्म। 10 रोज में हॉकी फेडरेशन को मजीद 1 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। कानपुर झील में सजा रंगारंग मेला, कश्ती रानी, रस्सा कशी और तीर अंदाजी के मुकाबलों में शुरका को खूब मजा आया। मौसीकी के तड़के ने तकरीब की रौनक दोबाला कर दी। काफी इंजॉय कर रहे हैं और काफी लाइक अच्छा लग रहा है। क्राउड बहुत अच्छा है और फीमेल्स इसमें ज्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है कि हमारे केबी में फीमेल्स आ रही हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स को इंजॉय कर रही हैं। खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम जो है ट्रिप है। चीन में वर्ल्ड फ्लाई एक्सपो में पैराशूट जंपिंग का शानदार मुजाहिरा। स्काई डाइवर्स ने हजारों फीट बुलंदी पर महारत दिखाकर देखने वालों को हैरान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे सानेह बल्दिया के मुबैना मरकजी मुलजिम हम्माद सिद्दीकी से, जिन्हें दुबई से पाकिस्तान लाने को रोकने के लिए कुछ सियासी कुव्वतें सरगर्म हो गई हैं। जरा ये बता रहे हैं कि हम्माद सिद्दीकी के पास ऐसी अहम मालूमात हैं जो MQM पाकिस्तान और PSP रहनुमाओं के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। आपको बताएं कि सानेहा बल्दिया फैक्ट्री हो या 12 मई, हर वाकये में हम्माद सिद्दीकी ही का नाम सामने आ रहा है। हम्माद सिद्दीकी की वतन वापसी रोकने के लिए कुछ सियासी कुव्वतें इस वक्त सरगर्म दिखाई देती हैं। हम्माद सिद्दीकी के बयान से पर्दा उठने का इम्कान भी सामने आ रहा है। हम्माद सिद्दीकी PSP और MQM पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकते हैं। कराची का हर बड़ा वाकया, उस वाकये में हम्माद सिद्दीकी का नाम शामिल होता है। सितंबर 2012 में कराची के इलाके बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में लगी आग तो 5 साल कबल बुझ गई, लेकिन लवाइकीन के दिलों में लगी चिंगारियां आज भी सुलग रही हैं। आज तक इस सवाल का जवाब न मिल सका कि वो आग किसने, क्यों और किसके कहने पर लगाई थी। सानेह का मुबैना मरकजी मुलजिम हम्माद सिद्दीकी दुबई में गिरफ्तार हो चुका है और तवक्को है कि उसके बयानात से केस पर पड़ा पर्दा उठ जाएगा, लेकिन कुछ सियासी कुव्वतें इस मुलजिम की वतन वापसी में रुकावट बन रही हैं। ज़राए के मुताबिक हम्माद सिद्दीकी के पास ऐसी अहम मालूमात हैं जो PSP और MQM पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकती हैं। उधर MQM पाकिस्तान और PSP के रहनुमा हम्माद सिद्दीकी के हवाले से नरम रवैया रखते हैं। आज भी डिफेंड करूंगा हम्माद सिद्दीकी को, आज भी मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूं। मेरा आज भी ये कन्विक्शन है कि उसने ये काम नहीं किया। जो भी बोला बोल रहा है झूठ बोल रहा है, नंबर उसके बारे में झूठ बोल रहा है। इल्जामात की ठोस बुनियाद होनी चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए और हर इल्जाम को अदालत में साबित होना। दूसरी जानिब सलमान मुजाहिद बलोच ने DG रेंजर्स सिंध को एक खत तहरीर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि 4 सरकारी अफसरान अकमल सिद्दीकी, मिर्जा आसिफ बेग, अमीर अली और शाहनवाज भट्टी ने सानेह बल्दिया टाउन में रहमान भोला की मुआवनत की। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक हम्माद सिद्दीकी की रवां हफ्ते पाकिस्तान मुंतकली का इम्कान है। सानेह बल्दिया में 260 से ज्यादा अफराद जांबाक हुए थे। इस केस के मरकजी मुलजिमान कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। हम्माद सिद्दीकी से तफ्तीश में कराची में होने वाले दीगर सानेहात की गुत्थी सुलझने की भी तवक्को की जा रही है, लेकिन नाज़रीन सवाल यह है कि तफ्तीशकार सानेहा 12 मई से लेकर रशीद गुडेल पर हमले तक के राज हम्माद सिद्दीकी से उगलवा पाएंगे। कराची में जब भी अमनो अमान का मसला हुआ, नाम आया अल्ताफ हुसैन
या फिर एमकेएम की तंजीमी कमेटी का। 2007 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तखार चौधरी को कराची आने से रोकने के लिए ऐसी कत्लो गारत गरी की गई कि वो दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन बन गया और सानह 12 मई कहलाया। इस केस में भी तंजीम कमेटी पर उंगलियां उठी। यही नहीं, टारगेट किलिंग हो या चाइना कटिंग की निगरानी या फिर अब्दुल रशीद गोडियल पर कातलाना हमला, इल्जामात तंजीमी कमेटी पर ही लगे। हमाद सिद्दीकी की हवालगी और फिर तफ्तीश से शायद इन जराइम पर बड़ा पर्दा उठ जाए। हमाद सिद्दीकी बराह रास्त बानी एमकेएम से हिदायत लेते थे। हमाद सिद्दीकी ही वो आदमी हैं जिसके हुक्म पर 18 मई 2013 को 90 पर पार्टी के आला रहनुमाओं की पिटाई की गई। हमाद सिद्दीकी एमकेएम के स्टूडेंट विंग एपीएमएसओ में शामिल हुआ, उसके बाद एमकेएम का कारकुन बन गया। 2009 में हमाद सिद्दीकी को एमकेएम की तंजीमी कमेटी का इंचार्ज बनाया गया। ये कमेटी बराह रास्त बानी एमकेएम की हिदायत पर काम करती थी और किसी को जवाब दे नहीं थी। एमकेएम की सियासी सरगर्मियां हों या इंतखाबी अमल या फिर शहर में अफरा तफरी फैलाना, बानी एमकेएम से बराह रास्त हिदायत हमाद सिद्दीकी को मौसूल होती थी। 2013 के आम इंतखाबात के बाद इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाए तो बानी एमकेएम राब्ता कमेटी से नाराज़ हो गए और लंदन से हिदायत के मुताबिक राब्ता कमेटी अराकीन को ज़दोकोप भी किया गया। ये तमाम कार्रवाई हमाद सिद्दीकी की निगरानी में अब्दुलरहमान भोला और उसके साथियों ने सर अंजाम दी। तमाम चंद दिन बाद तंजीमी कमेटी तहलील करके हमाद सिद्दीकी को मुअत्तल कर दिया गया, जिसके बाद ही मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने एमकेएम से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और इसी अहम मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमने राबिता किया है पीएसपी के रहनुमा रजा हारून साहब से। रजा साहब, जराए से खबरें मिल रही हैं कि हमाद सिद्दीकी से बल्दिया टाउन सानहा और 12 मई के हवाले से सनसनी खेज इंकशाफात किए गए हैं, आपके पास क्या मालूम पहुंची, क्या इंकशाफात हैं? ये उससे है कि गैर जानबदाराना साफ और शफाफ मुकम्मल ना सिर्फ तहकीक हो बल्कि उस तहकीक को अदालत में पेश करके अदालत से, फिर ये काम अदालतों का होता है कि उस तहकीक के हवाले से सजा या जजा का तसव्वुर अदालतों के पास होता है, ना मीडिया के पास होता है ना मेरे पास है। इसीलिए हमारा ये मौकिफ है कि अब हमाद सिद्दीकी साहब मीडिया की खबरों के जराए से जो हमें पता चल रहा है कि वो अरेस्ट हो चुके हैं, वो पाकिस्तान आएंगे, उसका हमें इंतजार करना चाहिए, उनके लिए जीआईटी बनेगी, जीआईटी का प्रोसेस होगा, अदालतों का सामना करेंगे। ये मुकदमा ऑलरेडी पेंडिंग है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, तो हमें ऐसे मामलों को जो कौमी सानहात हों उसे हमें अदालतों पे छोड़ देना चाहिए, जहाँ जहाँ जो सही फोरम है इंसाफ के तकाजे पूरे करने का। सही, रजा साहब आपने कहा कि कौमी सानहात के जो मामलात हैं उनके फैसलों को अदालतों पर छोड़ देना चाहिए। बहरहाल आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया रजा हारून। असेंबलियां वक्त पर तहलील होंगी, मुस्लिम लीग नून का दो टोक ऐलान। पार्टी के मशावरती इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए अहसन इकबाल का कहना था कि कौमी और सूबाई असेंबलियां अगले बरस 5 जून को तहलील होंगी, जिसके 60 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे। पीटीआई वाले चाहते हैं कि आम इंतखाबात सेनेट इलेक्शन से पहले हों, क्यों उन्हें पार्टी में बगावत का खदशा है, असेंबलियां वक्त पर ही तहलील होंगी, ऐसा कहना है अहसन इकबाल का। दो हज़ार तेरह में पाकिस्तान की मईशत में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग रोज़मर्रा का मामूल बन चुकी थी। पाकिस्तान की मिसाल एक ऐसे जहाज की थी कि जिसके तमाम पुर्जे टूट चुके थे और ये जहाज आउट ऑफ सर्विस हो चुका था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी अमल को इस्तेहकाम से। और अब कुछ जिक्र करेंगे इमरान खान का, जिन्होंने एक बार फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। अटक में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने कभी आवाम के लिए नहीं खेला, वो सारी उम्र अपने लिए दौलत जमा करते रहे, 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल एक मुजरिम को दिया जा रहा है, चीन में करप्शन पर सजाए मौत दी जाती है और यहां हुक्मरान कहते हैं कि हमें क्यों निकाला।
जो भी हमारे टीम के कैप्टन बने, जरदारी हो या शरीफ, वो अपने लिए बैटिंग करते हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं खेला। क्या थे ये पहले, इक्तदार से पहले क्या थे, लेकिन आज देखें क्या है। आज ये पैसा किधर से आया, ये आपका पैसा है। ये सारे अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। ये समझते हैं कि 30 साल से हम इस अवाम को झूठ बोल के धोखा देते रहे, अभी भी दे देंगे। 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल एक मुजरिम को, मनी लॉन्डरर को मिल रहा है कि मुजरिम टैक्स के पैसे पे पंजाब हाउस में ठहरा हुआ है। कभी सुना है कि करप्शन पे चाइना में सजाए मौत है? वो कैसे तरक्की कर रहे हैं नवाज शरीफ? तुम कहते हो कि करप्शन के पीछे जाएंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगी। चीन कैसे डेवलप हो रहा है? पहले ये अदलिया को डरा धमका के खिला के अपने लिए फैसले करवा लेते था शरीफ माफिया। अब पहली दफा हमारी अदलिया खड़ी हुई है और उन्होंने मेरिट पे फैसला करके क्यों निकाला कर दिया है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो। उनका कहना है कि पिछली मर्दमशुमारी पर इलेक्शन कराने में कोई हर्ज नहीं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के करीब मौजूद लोग ही उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कोई और उनका दुश्मन नहीं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मर्दमशुमारी पर यू टर्न नहीं लिया। ये इलेक्शन जो है जिसपे डिस्प्यूट है, जिसपे सेंसस पे, उस जब तक वो रिजॉल्व हो हम अगले इलेक्शन जो है, मगर इलेक्शन टाइम पंजाब में जो दिखाई गई या खबर पश्चिम में दिखाई गई है, उसके हिसाब से सिंपल विश्व बड़ा कम दिखाया गया। जो पहले के सेंसस हैं, 98 के सेंसस हैं, उसके मुताबिक जो हमारी दो तीन इलेक्शन हुई हैं, 5 इलेक्शन हुई हैं हमारी, उस इलेक्शन उसी सेंसस के ऊपर जिस पर सब मुतफिक हैं हम, उस इलेक्शन पे 2013 के इलेक्शन मुस्लिम लीग ने जीती भी है, उसी सेंसस पे जीती है, उसी वोटिंग लिस्ट पे। बात बड़ी क्लियर है कि कोई यू टर्न नहीं लिया हमारे पहले भी रिजर्वेशन से। जिक्र आम है, खास नहीं है कि नवाज शरीफ के अपने रैंक के लोग बैठे हैं जो उनके खिलाफ साजिश करते हैं। रुख करेंगे सिंध असम्बली का, जहां असम्बलियां तहलील करने और कबल अज़ वक्त इंतखाब से मुतालिक इमरान खान के बयान के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रम जमान शेर ने जमहूरियत को ही 2 नंबर करार दे दिया। इसी मामले पर रिपोर्ट करेंगे खावर हुसैन। वो कहता था ना उंगली का इशारा, उसकी पार्टी कभी इक्तदार में आ ही नहीं सकती, चाहे वो दुबई हो, यूएस हो, के अंदर अपनी जायदाद बनाई जा रही है। कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ने और कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद। सिंध असेंबली में पीटीआई के मुतालबे के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। पीपी के सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने मुतालबे को अवामी राय पर हमला करार दिया। कर रहा है ये सारा एटीट्यूड जो है, ये असेंबलियों को कमजोर करने की बात है। पीपल्स पार्टी की करारदाद के सामने तहरीक इंसाफ और फंक्शनल लीग के अरकान डट गए। पीटीआई रुकन खुर्रम शेर जमान ने तो जमहूरियत को ही 2 नंबर करार दे डाला। आप पे खड़े होके एतराज तो जरूर करते हैं असलियत के ऊपर, लेकिन अगर आप बाहर जाके आवाम से पूछें तो आप ही लोगों की वजह से उस आमरियत में भी लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है बनिस्बत आपकी जमहूरियत के। सिंध की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात एमकेएम ने भी हुक्मरान जमात की हिमायत की और पीटीआई के रुकन असेंबली खुर्रम शेर जमान की जमहूरियत से मुतालिक बयान की मजम्मत की। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं असेंबलियां तहलील करने का बयान सियासी निज़ाम लपेटने के मुतरादिफ है। ये ऐसा ही है जैसे इत्तिफाक़ राय से मार्शल लॉ लगा दिया जाए या आइन तोड़ दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी जमातों और हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फाटा के इंजमाम पर मौकफ में इस्तेहकाम नहीं, कभी कुछ कहा जाता है और कभी कुछ कहते हैं। फाटा के इंजमाम को आवाम का मुतालबा कहने वाले प्रोपेगेंडा बंद करें, हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। संजीदगी का मुजाहरा करके पूरे मुल्क को एक दावत दे दी है कि आए सरनौ मसले का जायजा लेते हैं, तो फिर कौंसल बैठेगी, कौंसल उसके जो रोड मैप है वो तय करेगी। इत्तेफाक से जमहूरियत की भी साथ लपेट देनी चाहिए, जो इत्तेफाक राय से आइन को ख़त्म कर देना चाहिए, इत्तेफाक राय से मार्शल्ला लगा देना चाहिए। इस किस्म की सोच के मालिक ये पाकिस्तान की क्यादत करेंगे,
ये जमहूरियत के मुहाफिज होंगे जो इदारों की तहरीर करने के लिए गैर आइनी गुफ्तगू करते हैं। जब हुकूमत के अपने सफ़ों में उसके अपनी राय पर इस्तेहकाम मौजूद नहीं है तो इसका माना यह है कि उनके यहाँ भी फाटा के हवाले से महज कुछ ख्वाहिशात हैं। कहाँ से उतरी हैं, कहाँ से वो ख्वाहिशात आई हैं, क्यों पूरी की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर लोगों ने जो सवालात उठाए हैं उसमें वजन था। जितना भी वो ज़ोर लगा लें मीडिया के ज़ोर पर के इंतमाम लोगों की दिलों की आवाज़ है, कतअन नहीं है और कतअन ये मुहिम बंद हो जानी चाहिए, ये खिलाफ हकीकत है।